लाइन में मौत नहीं हुई है, उनको खाद की पर्ची मिल चुकी थी। खाद की पर्ची मिलने के बाद वो लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको अटैक आया है। परिवार के लोगों से भी बात हुई है उनके लोगों की। लेकिन जहां तक सवाल कमलनाथ जी के ट्वीट का है, जहां तक सवाल कांग्रेस का है, ये वही कांग्रेस है जो किसानों पर खाद के लिए लाठी चलवाती थी, ये वही कांग्रेस है जो किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। राहुल गांधी से झूठ बुलवाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी थे कि 10 दिन में 2 लाख का नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो आ रहे हैं राहुल गांधी, या तो माफी मंगवा दें या स्पष्टीकरण दिलवा दें, कुछ तो करवा दें राहुल गांधी से अपनी यात्रा के लिए। केजरीवाल जी ने 2 पैमाने रख लिए मंत्रियों के लिए। सत्येंद्र जैन जी, जिन पर गंभीर आरोप हैं, उनकी वो 3 महीने से मसाज करवा रहे हैं, इस्तीफा नहीं लिया। और पंजाब के मंत्री से 1 ही दिन में इस्तीफा मांग लिया था, वहाँ अपने आप की पीठ ठोक रहे थे, और यहाँ 3 महीने से मालिश करवा रहे हैं वो। अब ये कौन सा नियम है? ये केजरीवाल जी वही है जो कहते थे कि हम वो लोग हैं जो सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, नैनो गाड़ी से चल के लोगों को दिखाते थे, और अब सुख सुविधाओं का ऐसा मोह है कि जेल में भी सुख सुविधाएं नहीं छूट पा रही। राहुल गांधी की यात्रा पहले 16 दिन थी, फिर 13 हुई, अब 12 दिन हो गई, कमती जा रही, जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे दिन कमते जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देख रहे होंगे अपन, पहले तो मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जो उनकी यात्रा है राहुल गांधी जी की और मध्य प्रदेश में जो आ रही है, उसमें जो उन्होंने खालसा कॉलेज इंदौर का है, तो आग्रह है मेरा उनसे कि उस स्थान पर कमलनाथ जी के जाने के बाद से विवाद उत्पन्न हुआ था, संत जी जो कानपुर वाले हैं उन्होंने बोला था, तो मैं आग्रह ही कर सकता हूँ कि इसे ऐसे स्थान पर न जाएं जिससे पुनः आक्रोश हो। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने TTT का फार्मूला दिया है, विषय दिया है टेस्ट, टारगेट और टर्मिनेट, आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आने वाले माह में बैठक करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी PFI और जैसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। एक और विषय है ऑनलाइन गेमिंग का, इसमें गृह विभाग ने अब प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और अब ये कानून के दायरे में आ जाएगा। जो पूर्व का कानून था द्रुत क्रीड़ा वाला, जुआ एक्ट वाला, उसमें संशोधन करके इसको अब वरिष्ठ सचिवों की समिति के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद कैबिनेट की ओर ये प्रेषित होगा। और रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में भी इसमें विचार है, और ऑनलाइन गेम मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कैसे होंगे, ये सारा का सारा प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को जा रहा है। इस घंटे में कोरोना के संपूर्ण प्रदेश में 1 नया प्रकरण आया है, जबकि 6 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में 22 एक्टिव केस वर्तमान में हैं। सैंपल कलेक्शन जो हुआ है वो 2909 का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.03 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है, स्थिर है। 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। कल जो हमारा वैक्सीनेशन 24 घंटे का है वो 8,888 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,40,677 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है।